इसको प्रिंट करवाने के लिए पहले तो आपको दो लूप्स यूज करने पड़ेंगे एक लूप जो कि आउटर लूप होगा वो रोज नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा और जो इनर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करेगा इनर लूप के अंदर आप सी आउट स्टेरिक अगर लिखते हैं तो भी आग, भी जो इनर लूप है वो एक्चुअली स्टेरिक्स प्रिंट करेगा और आउटर लूप सिर्फ और सिर्फ रोज को कंट्रोल करेगा अब देखते हैं कैसे होगी जैसे ही आई की वैल्यू वन होगी तो आपकी रो नंबर वन है ठीक है और i की वैल्यू वन पर j फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा मतलब फाइव स्टेरिक्स आपको प्रिंट करके दे दी जाएंगे उसके फॉर्म बाद है सी आउट एंडल सी आउट एंडल का मतलब यह है कि आप आपका कर्जा जो है वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा नेक्स्ट रो में आने के बाद दोबारा से अगर लूप स्टार्ट करें तो i की वैल्यू टू होगी जिसका मतलब कि आप रो नंबर टू में रो नंबर टू, टू में आने के बाद दोबारा से जो फॉल ऊप जो इनर फॉल ऊप है जो कि स्टेरिक वाला फॉल उप है या फिर जो कि कॉलम्स को कंट्रोल करने वाला फॉल ऊप है वो फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आपको पांच स्टार्स प्रिंट करके दे दिए जाएंगे और उसके फॉर्म बाद एंडल आएगा तो आपका कर्जर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा इसके बाद फिर आई की वैल्यू टू होगी प्लस तो थ्री होगी थ्री होने के बाद दोबारा से पांच स्टार्स प्रिंट किए जाएंगे और फिर एंडल प्लेस किया जाएगा एंडल जैसी आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आई की वैल्यू फोर होगी फिर पांच स्टार्स प्रिंट किए जाएंगे और फिर एंडल प्लेस कर दिया जाएगा उसके बाद फिर आई की वैल्यू फाइव होगी और पांच स्टार्स स्टेरिक्स प्रिंट किए जाएंगे और उसके बाद फिर एंडल हो जाएगा उसके बाद फिर मजीद आई लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा जब आई लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ओवरऑल कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है और उसके बाद मजीद स्टेरिक्स प्रिंट नहीं होंगे इस तरीके से आप फाइव क्रॉस फाइव का एक स्टेरिक वाला मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं अब अगर आ, कोई बंदा अगर ये कहता है कि आ, आप नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट कर दें मतलब कुछ रोज़ कर लें फाइव और कॉलम्स कर लें थ्री तो वो भी कर सकते हैं आप जस्ट इस जगह को रिप्लेस करना है आपने यहाँ पर जाके यूज़र से एंटर करवा लें वो आपकी मर्जी है या फिर आ, खुद इंटर कर दें ये आपकी मर्जी है इस फाइव की जगह पर आप जितने नंबर ऑफ़ रोज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख लें और इस जगह पर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लें ठीक है इसको कैसे अब देखते हैं हम ऐसे देख लेते हैं अगर फर्ज करें यूजर इंटर करता है कि उसे रोज थ्री चाहिए और कॉलम्स नाइन चाहिए या फिर ये आप भी प्रोग्राम में हार्ड कोड कर सकते हैं आर इक्वल टू थ्री रोज थ्री या फिर कॉलम्स नाइन उसे चाहिए तो आप इसको जर्नलाइज इस तरह भी कर सकते हैं कि आई लेस दैन एन इक्वल टू आर ये क्योंकि ये जो आउटर लूप है ये कंट्रोल कर रहा है रोज़ को और ये जो इनर लूप है ये कंट्रोल कर रहा है कॉलम्स को तो यहाँ पर आप सी और आर भी लिख सकते हैं इससे क्या होगा इससे एक ऐसा ऐसी शेप जनरेट होगी जिसमें तीन रोज़ होंगी

सिक्स uh, तो यहाँ पे मैं फॉलो लुप यूज करता हूँ फॉर ये आउटर फॉलो लूप होगा जो कि कंट्रोल करेगा रोस uh, को आईकल टू वन आई लेस एन इक्वल टू रोस और आई प्लस प्लस ये आउटर लूप हो गया इसी तरह एक इनर लूप होगा जो कि एक्चुअली जेथ लूप होगा और इसका काम क्या होगा ये कॉलम्स को कंट्रोल करेगा और ये साथ साथ स्टेरिक्स uh, भी प्रिंट करेगा यहाँ पे मैं कॉलम्स लिख देता हूँ और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस तो इस लूप में हमने जाके सी आउट सी आउट स्टेरिक्स कर देते हैं और इस लूप के फॉर्म बाद जो है ना आपने सी आउट एंडल लिखना है ताकि नेक्स्ट जो आई की वैल्यू हो आई दोबारा से जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंटिंग्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में हो ताकि पता चले कि नई रोज आ गई तो इस तरह आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं तो अब देखें कि मैंने सी आर इक्वल टू फोर और सी इक्वल टू सिक्स लिखा हुआ है ये आप ख़ुद भी लिख सकते हैं और यूज़र से भी ले सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी है मैंने यहाँ पे ख़ुद लिखा हुआ फिलहाल तो इसको कंपाइल करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है इसमें कोई कोई भी एरर नहीं है इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें आपके पास प्रिंटिंग्स हो गई हैं जिसमें चार रोज़ हैं और छः कॉलम्स हैं तो इसी तरह अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं मैं यहाँ पर आर इक्वल टू टेन कर देता हूँ टेन रोज़ कर देता हूँ और इसी तरह सिक्सटीन uh, कॉलम्स कर देता हूँ ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट किया कोई एरर नहीं है तो ये आपके पास एक बड़ी शेप आ गई रेक्टेंगुलर शेप है ये तो इस तरीके से आप आ, अपनी पसंद का रोज और कॉलम्स वाला कोई भी शेप बना सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू